अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, ब्रिटिश हिस्ट्री के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ। और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे इट्स काजेस, ब्रिटेन एंड पीस सेटलमेंट, इफेक्ट्स ऑफ वार ऑन ब्रिटेन, लीग ऑफ नेशंस, द ग्रेट डिप्रेशन एंड अपेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट। तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि पहली जंग के असबाब क्या थे और पहली आलमी जंग के आगाज में अस्क्रियत का क्या किरदार था। देन हम डिस्कस करेंगे कि पहली आलमी जंग से पहले बनने वाले इतिहादियों की अहमियत क्या थी। नवाबादियात ने यूरोपी कौमों के दरमियान तनाव में किस तरह किरदार अदा किया। कौमियत ने पहली आलमी जंग के लिए एक महरिक के तौर पर किस तरह काम किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन सा वाकया वो फौरी यानी चिंगारी था, आगाज था, जिसने पहली आलमी जंग का आगाज किया था। दूसरा हमारा पॉइंट है बर्तानिया और अमन मुआहदा, पीस सेटलमेंट। इसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि बर्तानिया पहली आलमी जंग में क्यों शामिल हुआ और वर्साई के मुआहदे की अहम शराइत क्या थी। फिर हम स्टडी करेंगे कि जर्मनी की जंग के बाद बर्तानिया के अमन मुआहदे के मकासद क्या थे। और तीसरा हमारा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ वार ऑन ब्रिटेन, जंग के असरात बर्तानिया के ऊपर, पहली आलमी जंग का इंसानी नुकसान बर्तानिया के लिए क्या था। इसमें हम देखेंगे कि जंग ने बरतानिया की मईशत पर क्या असर डाला, जंग के नतीजे में बरतानिया में कौन सी अहम समाजी तब्दीलियाँ आई, इसके हम अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि पहली आलमी जंग ने बरतानिया के सियासी मंजरनामे पर किस तरह से असर डाला। और फोर्थ हमारा पॉइंट है लीग ऑफ नेशंस, अक्वामे मुत्तहिदा। तो अक्वामे मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद क्या था और अक्वामे मुत्तहिदा ने अमन बरकरार रखने में कौन सी मुश्किलात का सामना किया, हम इसको स्टडी करेंगे। और इसके अलावा जो हम देखेंगे कि अक्वामे मुत्तहिदा 1930 की दहाई में जहरियत को रोकने में नाकाम क्यों हुआ था। और हमारा पॉइंट है पांचवा के द ग्रेट डिप्रेशन, अजीम कसाद बाजारी की बुनियादी वजूहात देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि अजीम कसाद बाजारी ने बरतानवी मुआशरत पर क्या असर डाला, बरतानवी हुकूमत ने अजीम कसाद बाजारी के जवाब में क्या इकदाम किए थे ग्रेट डिप्रेशन के जवाब में। और सिक्स हमारा पॉइंट है नरम रवैया और दोबारा मुसलह होना, तो नरम रवैये की पॉलिसी क्या थी और ये बुनियादी तौर पर किन ममालिक से मुतालिक थी। इसमें हम स्टडी करेंगे कि बरतानिया ने 1930 की दहाई में दोबारा मुसलह होने की पॉलिसी क्यों अपनाई और बरतानिया की नरम रवैये की पॉलिसी के नतायज क्या थे। सो डिस्कस करते हैं द ब्रिटेन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ। द इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑन ब्रिटेन वाज प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग। सो द वार नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप बट आल्सो हैड सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सो इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर द काजेस ऑफ द वार, ब्रिटेन रोल इन द पीस सेटलमेंट एंड द वार इफेक्ट्स ऑन द ब्रिटेन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस, द ग्रेट डिप्रेशन एंड द पॉलिसीज ऑफ द अपेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट। तो उसके बाद पहले जंग अजीम का जो बरतानिया के ऊपर असर था वो बहुत गहरा था और बहुत दूरस था। तो इस जंग ने ना सिर्फ सियासी मंजरनामे को तब्दील किया बल्कि समाजी और इक्तसादी असरात जो थे इस तरह के असरात भी मरतब किए। तो काजेज क्या हैं पहले जंग अजीम के, असबाब क्या हैं, इसमें है मिलिटरिज्म, मीन के अस्क्रियत। अस्क्रियत का मतलब है, अस्क्रियत का मतलब है कि जंग के लिए जो ताकतवर मुसलह अफवाज है उसकी तैयारी का अकीदा। तो पहली जंग अजीम से पहले के जो साल थे उनमें यूरोपी ममालिक जिसके अंदर बरतानिया शामिल था, तो उसने अपनी फौजी सलाहितों के अंदर काफ़ी इजाफा किया था। एंड दिस आर्म्ड रेस क्रिएटेड अ क्लाइमेट ऑफ द फेयर एंड सस्पिकन। और इसके अलावा इस हथियारों की दौड़ ने खौफ और मशकूकियत का माहौल पैदा किया था। तो इसके बाद जो है पॉइंट इतिहाद का के यूरोप मालिक ने तहफ़ के लिए पेचीदा इतिहाद बनाए और सबसे जो अहम इतिहाद था वो ट्रेल इतिहाद था जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के दरमियान हुआ था। और ये जो इतिहाद था यानी ट्रिपल अटेंडमेंट का इतिहाद था जिसमें बरतानिया, फ्रांस और रूस भी थे। और ये इतिहाद इस बात को यकीनी बनाता था कि किसी एक मुल्क में होने वाले जो तनाज़ा है वो जल्द ही दूसरों को भी मुतासर कर सकता है। उसके बाद अब पॉइंट है इंपीरियलिज्म, नौआबादियात। तो ममालिक नौआबादियात और वसाइल यानी कि वसाइल के लिए सख्त मुकाबला कर रहे थे। सो द कम्पटिशन फॉर ग्लोबल डोमिनेंस पार्टिकुलरली इन द अफ्रीका एंड एशिया हाइटेंड टेंशन बिटवीन यूरोपियन पावर्स। अफ्रीका और एशिया में आलमी गलबे के लिए यह मुकाबला यूरोपीय ताकतों के दरमियान
तनाव को बढ़ा देता था। उसके बाद है पॉइंट नेशनलिज्म, यानी कौमी मफाद। तो नेशनलिज्म का जो यानी जोश खरोश था, वो मुवाले को अपनी ताकत और शनाख्त के मुजाहरा करने के लिए प्यार करता था। सो नेशनलिज्म फ्यूल्ड डिजायर्स फॉर इंडिपेंडेंस अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप्स, क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी स्पेशली इन द ऑल बाल्कन। सो कौमी मफाद जो है वो मुख्तलिफ नस्ली ग्रुहों की आज़ादी की ख्वाहिशात को उभारता था, खासतौर पर बलकान में अदम इस्तेकाम पैदा करता था। फिर द स्पार्क, तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्च डेविड फ्रांस फ्रेडरिक के कत्ल ने जंगल का यानी एक जंग का एक माहौल पैदा कर दिया था, एक जंग फौरी तौर पर उसको यानी हरेक फराम किया था। सो ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वार ऑन सेरेबिया, प्रमोटिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ अलायंसेस दैट ड्रिव इन मल्टीपल नेशंस। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सेरेबिया पर जंग का ऐलान किया, जिसने इतिहादियों की एक जंजीर को मुतहरिक किया, जिसमें मुतहद जो कौमें थी वो भी शामिल हो गई। दूसरा पॉइंट है हमारा ब्रिटेन एंड पीस सेटलमेंट, बरतानिया और अमन मुआहदा। बरतानिया का इसमें क्या किरदार था? बरतानिया ने 4 अगस्त 1914 को जंग में जो दाखिल हुआ ताकि बेल्जियम की हमायत की जा सके। तो जब जर्मनी ने इस पर हमला किया तो बरतानवी अफवाज ने मगरबी महाज पर अहम किरदार अदा किया, और जैसे जो सिम के मार्के थे और इसके अलावा एपर्स में लड़ाई थी। देन ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स 1919, जो वेट्स ट्रीटी था 1919 में, वेट्स ट्रीटी वो अहम अमन मुआहदा था जो पहली जंग अजीम का खात्मा करता है, और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसके अमन मुआहदे के अहम नुकात क्या थे। इसमें अहम नुकात थे इलाकाई नुकसान, और इसके अलावा इसमें पॉइंट था कि जंग की जिम्मेदारी का क्लोज था इसके अंदर। सो नज और अफवाज इसके अंदर एक पॉइंट था, मुआहदा था। सो जर्मनी लॉस्ट टेरिटरीज टू बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क। जर्मनी ने बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क के साथ इलाके खो दिए। फिर जर्मनी की फौज को 1,00,000 सिपाहियों तक महदूद कर दिया गया था, और उसे टैंकों या फिजाया रखने की इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद इसमें था कि जर्मनी को इतिहादियों को भारी यानी हुनर देने की जो ज़रूरत थी, जिसने जर्मनी के मईशत के ऊपर दबाव डाला। फिर जंग की जिम्मेदारी का क्लॉज था कि जर्मनी को जंग की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करने के ऊपर मजबूर किया गया। देन हम स्टडी करते हैं इसके बरतानी ऑब्जेक्टिव्स को, बरतानिया के मकासद क्या थे। तो बरतानिया का मकसद क्या था कि जर्मनी को कमज़ोर किया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई जारहियत ना हो। सो जबकि यूरोप में ताकत के तवाज़ुन को यकीनी बनाना था भी इसका मकसद। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो सॉट टू प्रमोट पीस थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स। बरतानिया हुकूमत ने मुश्तरक तहफ़ुज़ के इकदाम के जरिए अमन को फ़रोग देने की कोशिश की। जंग के असरात बरतानिया के ऊपर क्या थे? सो ह्यूमन कॉस्ट, इंसानी कीमत क्या थी? जंग के अंदर जो था इसमें 9,00,000 से ज़्यादा बरतानवी फौजियों की जानें गई थी, और बहुत से बाकी ज़ख्मी भी हुए थे। जानों का ज़िया जो था वो बरतानवी समाज और ख़ानदानों के ऊपर उसने गहरा असर डाला। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था? इक्तसादी असरात, तो जंग ने बरतानिया की मईशत को नुकसान पहुंचाया, और हुकूमत की जंगी कोशिशों के लिए भारतीय कर्जे लिए, जिसकी वजह से कौमी कर्जा बढ़ गया। ठीक है, तो जंग के बाद मुआशी जो हालत थी उसको दोबारा कायम करने में मुश्किल आई, जिसके नतीजे में बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। देन हम देखते हैं समाजी तब्दीलियाँ, जंग ने अहम समाजी तब्दीलियाँ ये जंग लाई थी। कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई ये जंग? इसमें औरतों का किरदार क्या था? औरतों ने मर्दों के जो रवायती नौकरियां थी वो संभाली थी, जिसने औरतों के वोट के हक के लिए भी मुतालबात में इजाफा किया। फिर उसमें क्लास टेंशन थी, यानी तबकाती तनाव। जंग ने तबकाती तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि काम करने वाले जो तबका था, तबके के फौजी ऐसे समाज में वापस आए जिसमें वहाँ के काम थे और अदम इत्मीनान भी बढ़ रहा था। देन हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल चेंजेस, सियासी तब्दीलियाँ क्या थी। तो जंग ने बरतानिया में सियासी ताकत को तब्दील कर दिया था, और लिबरल पार्टी जो कि सियासत में यानी डोमिनेट हो रही थी, तो इस यानी कि इसका जो इन्फ्लुएंस था, असर रसूख था, वो कम हो गया। जबकि लेबर पार्टी को हमायत मिलने लगी, और 1920 की दहाई में अहम सियासी तब्दीलियों की ये वजह बनी। उसके बाद हमारा पॉइंट है द लीग ऑफ नेशंस, कौमों की लीग जो थी, इसका क्याम कब आया था? कौमों की लीग जो थी वो पहली जंग अजीम के बाद
امن اور تامن کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سفارتکاری مشترکہ تحفظ کے ذریعے مستقبل میں تنازع سے بچنا. اور برطانیہ کا اس کے اندر کیا رول تھا؟ کہ برطانیہ لیگ کا ایک یعنی بانی رکن تھا لیگ کا, اور اس یعنی اس کی امید تھی کہ یہ امن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا. سو اٹ ایم ٹو پروینٹ فیوچر کنفلکٹ تھرو ڈپلومیسی اینڈ کلیکٹیو سیکیورٹی. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ سفارتکاری اور مشترکہ تحفظ کے ذریعے مستقبل میں تنازع سے بچا جائے. تو برطانیہ کا کیا کردار تھا؟ کہ برطانیہ لیگ کا ایک بانی رکن تھا اور اس کی امید تھی کہ یہ امن کو برقرار سے مددگار ثابت ہوگا. لیگ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا, جیسا کہ نافذ کرنے کی طاقت کی کمی تھی, اور اہم ممالک جیسے امریکہ اور یعنی امریکہ کی عدم موجودگی تھی اس کے اندر. پھر اس میں حدود تھی کہ 1930 کی دہائی میں جہریت کو روکنے میں یہ ناکام رہی, جیسا کہ جاپان کا جو مینچوریا کے اوپر حملہ تھا اور اٹلی کا تھوپیا کے اوپر حملہ تھا. تو اس ناکامی نے اس کے ساکھ اور اس کی افادیت کو کم کر دیا تھا. پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے عظیم کساد بازی, گریٹ ڈپریشن. تو دی گریٹ ڈپریشن 1929 میں شروع ہوئی اور دنیا بھر کی معیشتوں کو اس نے متاثر کیا تھا. تو اس کے اندر برطانیہ بھی تھا, جس نے بڑی سطح کے اوپر بےروزگاری, غربت اور سماجی بے چینی کی یہ وجہ بنا. پھر اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات تھے. تو جو یعنی کہ گریٹ ڈپریشن تھا, اس کے اقتصادی مصائب نے بڑی سطح کے اوپر عدم اطمینان پیدا کر دیا. بہت سے لوگوں نے اپنی نوکریاں اور گھر کھو دیے تھے. سو جس نے شدت پسند تحریکوں کی حمایت میں بھی اضافہ کیا, جس کے اندر لیبر پارٹی کا عروج بھی شامل ہے. گورنمنٹ ریسپانس کیا تھا, حکومت کا جواب کیا تھا؟ The British government struggled to respond effectively. The implementation of the policies like austerity measures further alienated for the working class, leading to strikes and protests. برطانوی حکومت مؤثر طریقے سے جواب دینے میں ناکام رہی. سخت مالیاتی پالیسیوں کے نفاذ نے مزدور طبقے کو مزید یعنی کہ مشکل میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے ہڑتالیں ہوئیں, احتجاج ہوئے. پھر ہمارا پوائنٹ ہے اپیسمنٹ اینڈ ریٹمنٹ, تسکین اور دوبارہ مسلح ہونا. تو کیا پالیسی تھی تسکین کی؟ کہ 1930 کے دہائی میں برطانیہ نے جو جارہے ممالک تھے, خاص طور پر ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں جرمنی کے خلاف تسکین کی پالیسی اختیار کی. تو اس پالیسی کا ایم کیا تھا؟ کہ تنازع سے بچا جائے اور ہٹلر کے کچھ مطالبات کو تسلیم کر کے, جیسا کہ رائن لینڈ کی دوبارہ عسکریت اور راشٹریہ انضمام. سو اس کو تسلیم کر کے تنازع کو کم کیا جائے. دوبارہ مسلح ہونا مین کہ جیسے جیسے یورپ میں تناؤ بڑھتا گیا, برطانیہ نے بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں دوبارہ مسلح ہونے کا آغاز کیا. تو اس میں فوجی خرچ بھی تھا, خرچ میں بھی اضافہ ہوا. پھر بحریہ کی توسیع بھی شامل تھی, تاکہ ممکنہ جو تنازع ہے اس کی تیاری کی جا سکے. سو دا پالیسی آف اپیسمنٹس از وائڈلی کریٹیسائز فار فالنگ ٹو اسٹیپ نازی ایگریشنز اینڈ سین اٹس کنٹریبیوٹری فیکٹر ٹو دا آؤٹ بریک آف دا ورلڈ وار ٹو. So the rearmament efforts after however did provide Britain with a stronger military presence with the war began. Iske nataij kya the? Ke taskeer ki policy ke badi satah ke upar iske upar tanqeed ki jati hai ke ye Nazi jahariyat ko rokne mein nakam rahi aur use dusri jang e azim ke aagaaz mein ek sabab samjha jata hai. To dobara musalla hone ki koshish ne jang ke aagaaz par Britaniyon ko ek mazboot fauji maujoodgi faram ki. To pehli jang azim ke baad Britaniya aur duniya پر بہت گہرا اثر پڑا. جنگ نے معیشت اور سیاست میں اہم تبدیلیاں یہ لائی, جو مستقبل کے تنازعات کے لیے ایک زمین تیار کرتی تھی. سو قوموں کے لیگ کا قیام اور ایک جنگ سے بچنے کی کوشش تھی, مگر یہ ناکام رہی تھی. سو دا گریٹ ڈپریشن براٹ اکانومک ہارڈ شپ اینڈ سوشل انریسٹ. یعنی گریٹ ڈپریشن اقتصادی مصائب اور سماجی بے چینی پیدا کی, جبکہ برطانیہ کی تسکین کی پالیسی اور اس کے بعد دوبارہ مسلح ہونے کی کوششوں نے دوسری جنگ عظیم کے آنے والی تنازع کی پیشگوئی کی. سو انڈرسٹینڈنگ دیز ایونٹس از کروشل فار ریکوگنائزنگ دا کمپلیکس ڈائنامکس دیٹ شیپڈ ماڈرن برٹن اینڈ اٹس رول ان گلوبل ہسٹری. ان واقعات کو سمجھنا جدید برطانیہ کی تشکیل اور اس کے عالمی تاریخ میں کردار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. پہلی عالمی جنگ کے اسباب ہم نے ڈسکس کیے, کہ پہلی عالمی جنگ کے آغاز میں عسکریت کا کیا کردار تھا, ہم نے اس میں ڈسکس کیا. تو اس کو مختصر اگین دیکھ لیتے ہیں. تو عسکریت کا ایک اہم عنصر یہ تھا جس نے یورپ ممالک کے درمیان طاقت کے توازن کو تبدیل کیا. ممالک نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا, جس کی وجہ سے خوف
और मशकूकियत का माहौल पैदा हुआ। फिर अस्करियत ने जंग की तैयारियों को बढ़ाया और मुस्लिम वाले के दरमियान लड़ाई के इम्कान को बढ़ा दिया। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि पहली आलमी जंग से पहले बनने वाले इतिहादों की क्या अहमियत थी। पहली आलमी जंग से पहले दो अहम इतिहादी बने थे, तीन गुना इतिहाद था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का, जैसे हम डिस्कस हमने किया है, और इटली भी इसमें शामिल था। फिर इसके अंदर तीन गुना मुआहदा था जिसमें बरतानिया, फ्रांस और रूस शामिल थे। ये इतिहाद एक दूसरे के तहफ़ के लिए बने थे, लेकिन जब एक मुल्क जंग में शामिल हुआ तो ये इतिहाद बाकी ममालिक को भी जंग में खींच लेते थे, जिसकी वजह से जंग की शिद्दत में इजाफा हुआ। फिर हम देखेंगे कि नौबादियात ने यूरोपीय कौमों के दरमियान तनाव में किस तरह किरदार अदा किया। नौबादियात के दौर ने यूरोपीय ममालिक के दरमियान जमीनों और वसायल पर कंट्रोल करने के लिए सख्त मुकाबला पैदा किया, जिस खासतौर अफ्रीका और एशिया में नौबादियाती तोसी ने कौमों के दरमियान तनाव को बढ़ाया, क्योंकि हर मुल्क चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाके हासिल करे। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि कौमियत ने पहली आलमी जंग के लिए एक मुहरिक के तौर पर किस तरह काम किया। कौमियत ने अकवाम को अपनी ताकत और शनाख्त को मजबूत करने के लिए उकसाया, मुख्तलिफ कौमों में ये एहसास बढ़ा कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़े, खासतौर पर बालकानी ममालिक में जहाँ मुख्तलिफ कौमियतें आज़ादी के लिए जंग लड़ रही थी, आज़ादी को तलब कर रही थी। ये एहसास जो थे वो जंग की एक बड़ी वजह बने। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन सा वाकया वो फौरी चिंगारी है जिसने पहली आलमी जंग का आगाज किया था। तो आज डेविड फ्रांस फ्रेडरिक की 28 जून 1914 की सर्बिया की एक कौम परस्त की जानब से हलाकत ने जंग के आगाज के लिए फौरी चिंगारी का किरदार अदा किया। सो इस वाक्य ने एक सिलसिला वार रद्दअमल शुरू किया जिसने मुख्तलिफ ममालिक को जंग में खींच लिया। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि बरतानिया और अमन मुआहदा। तो बरतानिया पहली आलमी जंग में क्यों शामिल हुआ, ये क्वेश्चन आप हो सकता है। तो बरतानिया ने 4 अगस्त 1914 को बेल्जियम की मदद करने के लिए जंग में शमूलियत इख्तियार की जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया था। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि बरतानिया ने बैन अक्वामी माहदों की पासदारी के लिए यह फैसला किया और वर्साई के माहदे की अहम शराइत क्या थी। तो वर्साई के माहदे की अहम शराइत थी कि जर्मनी की सरजमीनों का नुकसान, जर्मनी की फौजी ताकत की जो हद वो यानी 1,00,000 था होनी चाहिए, फिर जर्मनी पर भारी माली जुर्माने थे, फिर जर्मनी को जंग की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करना, ये जर्मनी की सरजमीनों यानी वर्साई के माहदे के अंदर अहम शराइत शामिल थी। उसके बाद जंग के बाद बताने के अमन माहदे के मकासद क्या थे, जो बताने के अमन माहदा किया था उसका मकसद ये था कि जर्मनी को कमज़ोर किया जाए ताकि वो मुस्तकबिल में दोबारा जहरियत ना कर सके, और इसके अलावा बरतानिया ने यूरोप में ताकत के तवाज़ुन को भी बरकरार रखा और अमन कायम करने की कोशिश की। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जंग के असरात बरतानिया के ऊपर जो थे, तो पहली आलमी जंग का इंसानी नुकसान बरतानिया के लिए क्या था। जंग के नतीजे में 9,00,000 से ज़्यादा बरतानी फौजी हलाक हुए थे, बहुत से बाकी जख्मी भी हुए थे, सो इस नुकसान ने बरतानवी मुआशरत और ख़ानदानों के ऊपर काफ़ी गहरा असर डाला था। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि जंग ने बरतानिया की मईशत के ऊपर क्या असर डाला। इस जंग ने बरतानिया की मईशत को सख्त मुतासर किया था, हुकूमत ने जंग की माली मामनत के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लिया जिसके नतीजे में बाद में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जंग के बाद मईशत की बहाली का अमल भी काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। फिर हमने डिस्कस किया कि जंग के नतीजे में बरतानिया में अहम समाजी तब्दीलियाँ आईं। जंग के नतीजे में कौन सी तब्दीलियाँ थी जो आईं? जंग के नतीजे में ख्वातीन ने ऐसे कामों का आगाज़ किया था जो रवायती तौर पर मर्दों के पास थे, जिससे ख्वातीन के हकूक़ के लिए मुतालबात में इजाफा हुआ। इसके अलावा काम करने वाले तबके में अदम इत्मीनान पैदा हुआ, बढ़ती हुई सियासी ख्वाहिशात पैदा हुई। फिर हमने डिस्कस किया पहली आलमी जंग ने बरतानिया के सियासी मंजरनामे पर किस तरह असर डाला था। तो जंग ने सियासी ताकत का तवाज़ुन तब्दील किया और लिबरल पार्टी जो पहले ताकतवर थी उसकी मकबूलियत कम हुई, और जबकि लेबर पार्टी को ज़्यादा हमायत हासिल होने लगी, जो जिसने 1920 की दहाई में अहम सियासी तब्दीलियों की रहनुमाई की। अक़वामे मुत्तहिदा हमारा फोर्थ पॉइंट था कि अक़वामे मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद क्या था। अक़वामे मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद बैन अक़वामी अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना, मुस्तक़बिल की जंगों को रोकने के लिए बैन अक़वामी तआवुन को बढ़ाना। अक़वामे मुत्तहिदा ने अमन बरकरार रखने में कौन सी मुश्किलात का सामना किया था? अक़वामे मुत्तहिदा ने बड़े ममालिक के अदम शमूलियत, अदम नफाज की ताकत, अंदरूनी तनाज़ात जैसे मसाइल का सामना किया जिसने उसकी कारकर्दगी को मुतासिर किया। अक़वामे मुत्तहिदा 1930 की दहाई में जहरियत को रोकने में नाकाम क्यों हुआ था? अक़वामे मुत्तहिदा की नाकामी की एक वजह यह थी कि अहम ममालिक जैसे अमरीका ने इसमें शमूलियत नहीं की और उसके पास जहरियत के खिलाफ मसल इकदाम करने की ताकत नहीं थी। पांचवा पॉइंट था हमारा द ग्रेट डिप्रेशन।
तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन की बुनियादी वजूहत क्या थी। तो इसकी बुनियादी वजूहत में मालियाती बहरान था, स्टॉक मार्केट का गिरना था और बैन अक्वामी तजारत में कमी थी। ग्रेट डिप्रेशन ने बरतानी मुआशरत पर असर क्या डाला था? इसने बड़ी सतह के ऊपर बेरोजगारी, गुर्बत और समाजी बेचैनी पैदा की, जिसने मुआशरत में अदम इत्मीनान को बढ़ाया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि बरतानी हुकूमत ने ग्रेट डिप्रेशन के जवाब में क्या इकदाम किए थे? बरतानी हुकूमत ने सख्ती के इकदाम किए, मगर ये इकदाम ज्यादा मुसर साबित नहीं हुए और ये इकदाम आवाम में बेचैनी और एहतजाज को बढ़ाने की वजह बने। हमारा पॉइंट था 6 के नरम रवैया और दोबारा मुसलह होना। तो नरम रवैये की पॉलिसी क्या थी और ये बुनियादी तौर पर किन मालिक से मुतालिक थी? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो नरम रवैये की पॉलिसी एक हिकमत अमली थी जिसके तहत बरतानिया और बाकी ममालिक ने हिटलर के कुछ मुतालबात को तस्लीम किया ताकि जंग से बच सके और ये बुनियादी तौर पर जर्मनी से मुतालिक थी। फिर हमने स्टडी किया कि बरतानिया ने 1930 की दहाई में दोबारा मुसलह होने की पॉलिसी क्यों अपनाई। बरतानिया ने बढ़ती हुई जहरियत और जंग के खतरे की पेश नजर जहरियत और दोबारा मुसलह होने की पॉलिसी अपनाई ताकि अपने दिफा को मजबूत बना सके। फिर बरतानिया की नरम रवैये की पॉलिसी के नतायज क्या थे? नरम रवैये की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था क्योंकि इसने हिटलर की जहरियत को रोकने में नाकामी का सामना किया था और बरतानिया की दोबारा मुसलह होने की पॉलिसी ने जंग के आगाज के वक्त उसे ज्यादा ताकतवर बना दिया। सो आज की वीडियो हमने डिस्कस किया है बरतानिया, पहली जंग अजीम और उसके बाद के हालात। तो इन टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।